हम लोग बात करेंगे लू के बारे में। ज़्यादातर हम लोग सुन रहे हैं ना कि गर्मियों का दिन है और लू लग जाती है सबको, तो लू लगने में क्या होता है, उससे कैसे बचा जाता है ये सीखेंगे। सबसे पहले ये जो बोर्ड पर चित्र बना है इसको सबने अपनी कॉपी पर बना लिया है, तो लाओ हमें दिखाओ पहले। हाँ बहुत अच्छा अच्छा बना है। चलो अब साथ साथ सुनते रहो, अच्छा है सभी का, ठीक है सभी लोग ध्यान से सुनते रहो। लू जब लगती है तो ज़्यादातर क्यों लगती है, अगर हम एकदम ठंडी जगह पे बैठे हैं ठीक है, और उसके बाद अचानक से हम गर्मी में निकल गए तो बहुत नुकसान करती है, दिक्कत हो जाती है तब, ठीक है। या फिर हम घर से खाली पेट बहुत दूर चले गए धूप में, तब तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, पहली बात तो हमें खाली पेट नहीं रहना है, कहीं भी निकल रहे हो अगर घर से बाहर निकल रहे हो तो खाना खाना चाहिए, और खाना से ज़्यादा क्या होना चाहिए, पानी से भी पेट भरा होना चाहिए। खाना थोड़ा कम ही खाओ चाहे, लेकिन पानी पूरा पी के रखो। किसी को लू लग जाती है अगर, उसको सिर चकरा रहा है, उल्टी आ रही, बुखार हो गया, इस तरह की चीज़ें हो जाती है, कई बार बेहोश हो जाते हैं, तब क्या करना चाहिए, बुखार है क्या करो, सबसे पहले तो उसको गीला तौलिया या गीले कपड़े से उसका शरीर पोछो, और पहले तो अगर धूप में है तो उसको छाया में लेके जाओ, ठीक है, चाहे घर के अंदर पंखा चलाओ या किसी पेड़ के नीचे, और उसका पूरा शरीर ठंडे पानी से पोछो, शरीर पोछो या फिर ठंडे पानी से नहला ही दो चाहे। दूसरी चीज़, पानी वाली चीज़ें जितनी होती हैं, तरल पदार्थ जैसे पानी हो गया, पना हो गया, फल का रस हो गया, जूस है ना, उसके बाद दही का शरबत, सबसे अच्छा तो माठा हो गया, मट्ठा, हाँ सत्तू होता है, सतुआ, हाँ तो सतुआ जो होता है वो भी बहुत फ़ायदा करता है गर्मियों में, शरीर को ठंडा रखता है। यहाँ से घर जब स्कूल से जाते हो, एक गिलास पानी लो, उसमें 2 चम्मच सतुआ घोल लो, नमक डाल लो, पी जाओ, एकदम रिलैक्स रहेगा। और यही करते हो, और क्या करना चाहिए अगर किसी को लू लग गई है, लौकी होती है, लौकी को घिस लो, उसके क्या कर दें, उसके हाथ पैर सब जगह रख दो, तो जब हाथ वाथ में हथेली में रखोगे ना तो वो क्या करती है, गर्मी खींचती है और वो मुरझाने लगती है, तो मुरझाने का मतलब है वो गर्मी क्या कर रही है, खींच रही है। कपड़े ढीले ढाले कपड़े पहनने चाहिए, और सूती कपड़े, कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है, ढीले ढाले कपड़े पहनो, गाढ़े रंग के बहुत कपड़े नहीं पहनने चाहिए, हल्के रंग के, सफ़ेद, हल्का पीला, हल्के हल्के रंग के कपड़े पहनोगे तो गर्मी कम लगेगी। और दूसरी चीज़, अगर धूप में बाहर निकल रहे हो तब हल्के कपड़े तो पहने हैं, ठीक है, शरीर ढका होना चाहिए, हाँ सिर भी ढका रहना चाहिए, चाहे छाता लगाओ, नहीं है तो गमछा बांध लो, टोपी लगा लो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, तो उस चीज़ से भी हमें बच के रहना है। और अगर पेट भरा रहेगा, पानी पिए रहोगे, अच्छे से खूब पानी पिए रहोगे, मौसमी फल खाओगे, गर्मियों में तो इतने अच्छे अच्छे फल आते हैं ना, तरबूज, खरबूजा, खीरा, और सोचो जितने फल हैं सब में पानी होता है कि नहीं होता है ना, भगवान जी ने ऐसा बना रखा है कि गर्मियों में ऐसी चीज़ दो जिसमें पानी ज़्यादा हो, ठीक। एक और चीज़, फ्रिज का पानी जो होता है बर्फ़ वाला, किसी को लू लगी है अगर वो पिलाओगे वो नुकसान कर सकता है, लेकिन अगर मटकी का पानी पिलाओगे, सुराही का, तो नुकसान नहीं करता है, वो वाला ज़्यादा अच्छा पानी होता है, अच्छा। तो सबको लू समझ में आ गया कैसे बचना है, ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो किसके पास जाना है, डॉक्टर के पास। घर पे भी जब आज जाओगे तो अपने घर वालों को, सबको लू के बारे में बताओगे ना, ठीक है, सबको दिखाओगे भी, ठीक है दिखा दे रहा, और जिन्होंने, हाँ अच्छा बना, अच्छा है, सबका अच्छा बना है, हाँ ये तो बहुत अच्छा बनाया, कांचा का बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लू के बारे में समझ गए,